हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अवर चैनल द कंप्यूटर स्पाइडर। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल चैनल द कंप्यूटर स्पाइडर में, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप बना सकते हैं किसी भी फाइल को पीडीएफ फाइल, वो भी मिनटों में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आपकी अपनी खुद की पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो सबके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास सिर्फ फ़ोन है, उसे किस तरह से मतलब फ़ोन को यूज़ करके पीडीएफ फाइल बनाएं। तो सिंपली आज मैं आपको वही बताऊंगा कि आप पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। देखिए, पीडीएफ फाइल बनाने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा जगह पर पड़ती है, जैसे कि आपके पास बहुत सारे फोटोज़ इमेजेस हैं, और या फिर आपको कोई प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करना है। प्रेजेंटेशन जनरली पीपीटी बनती है, वो अलग बनती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, बट पीडीएफ में भी कहीं पर यूज़ किया जाता है, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई पीडीएफ में पीपीटी बनती है और उसको कहीं कैरी करना है, तो इस तरह से उस सब की ज़रूरत पड़ती है पीडीएफ की। तो आप पीडीएफ फाइल किसी को सेंड भी कर सकते हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे पीपीटी फॉर्मेट मतलब सपोर्टेड नहीं होता, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल सेंड करनी पड़ती है। तो वही उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो चलिए अब वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए अब हम पीडीएफ फाइल क्रिएट करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पीडीएफ फाइल करना क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, पर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा पीडीएफ क्रिएटर। यहाँ पे आपने पीडीएफ क्रिएटर सर्च किया, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आएगा, इसको डीवीडी सॉफ्ट ने डेवलप किया है, इसका नाम है पीडीएफ क्रिएटर। आप मैं इसकी रेटिंग दिखा देता हूँ आपको, रेटिंग ये रही इसकी 3.8, और यहाँ पे आप इसके रिव्यूज़ देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे हैं, बेस्ट आई लाइक। देखिए इस तरह के इसके रिव्यूज़ मिल जाएंगे आपको। इसको जो डाउनलोड किया है 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है एक पीडीएफ फाइल को बनाने के लिए। देखिए अब आप ओपन कीजिएगा, इसे ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है रोड सेफ्टी, तो आप ये आसानी के साथ बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखा दूंगा, सिर्फ मुझे उसी तरह फॉलो करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे आपको प्लस का साइन मिलेगा, प्लस के साइन पर आपने क्लिक किया, यहाँ पे ये फाइल का नाम मांगेगा, फाइल का नाम आप दे दीजिएगा कुछ भी, जैसे मैं स्पाइडर दे देता हूँ, मैंने स्पाइडर फाइल का नाम दिया। उसके बाद इस तरह से कुछ ब्लैंक खुलेगा, और यहाँ पर आप टेक्स्ट में दे सकते हैं, जैसे दिस इज़ अ चैनल, मैंने इस तरह से दिया कुछ भी। और ये नीचे जो है ये इतना बड़ा सारा जो ब्लैंक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी इमेज वगैरह डाल सकते हैं जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। देखिए इमेज डालने के लिए आप यहाँ पे देखिए आई का एक आंखों का निशान दिख रहा होगा आपको, उसकी साइड में एक प्लस का साइन है, फिर उसकी साइड में एक और प्लस का साइन है, तो ये इमेज का साइन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इमेज के साइन पर आपने क्लिक किया, आप गए सीधा इमेज में क्लिक पहुँच गए आप, और यूसी ब्राउज़र में आप पहुँच गए। कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे मैंने ये रोड सेफ्टी का ले लिया, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे लगाया, इसको बड़ा छोटा कर दीजिएगा, जैसे आप सिंपली जूम आउट जूम इन करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कहीं पे भी, यहाँ से ड्रैग किया इधर डाल दिया, इधर से ड्रैग किया इधर, ठीक है ना, सिंपली कर सकते हैं आप। और यहाँ पे करने के बाद आप ये साइन को कर दीजिएगा चेक, चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज लेना है। नेक्स्ट पेज के लिए ये जो आँख का सिंबल है, इसकी साइड में प्लस का साइन है, जहाँ से हमने ये इमेज लिया था उसी की साइड में एक प्लस का और है, वहाँ पर क्लिक किया आपने, एक और स्लाइड आ गई। स्लाइड के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा ABCD, आपने कुछ भी लिखा, कुछ भी है, ANCD लिखा गया, नो प्रॉब्लम। और आपको फिर एक और इमेज लगानी है, फिर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, वापस क्लिक किया आपने AN, यहाँ इमेज पे क्लिक किया आपने, और फिर वापस एक और इमेज ले ली, एक इमेज ले ली, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ये इमेज ले ली। इमेज लेने के बाद आप फिर नेक्स्ट स्लाइड ले ले, नेक्स्ट स्लाइड लेने के बाद ये स्लाइड आ गया, और इसी तरह आप अपनी स्लाइड बना सकते हैं। तो ठीक है, अब आपको देखना है कि मेरी स्लाइड बनी कैसी है। इसमें आप कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, नीचे से देखिए टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं आप, नीचे से इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए अब आई का जो ऑप्शन ये निशान है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको आपकी जो आपने बनाया है पीडीएफ वो आपको दिख जाएगी। देखिए मैंने बनाया दिस इज़ ए चैनल रोड सेफ्टी, फिर इसको मैंने
सिंपली स्लाइड किया और ये दूसरी स्लाइड आ गई, तीसरी मैंने एम्प्टी छोड़ी हुई है तो बाकी स्लाइड नहीं आएंगी क्योंकि जो मैंने एम्प्टी छोड़ी है। तो यहाँ से आपको देख क्या होगा कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने जो फाइल बनाई है, और सिंपली वो फाइल मैंने सेव नहीं की है क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बना के दिखाई है। फिर इसी तरह आप फाइल बनाएं और वहाँ से सेव कर लें, फाइल यहाँ पे आपको सेव हो जाएगी जो भी आपको सेव करनी है, जिस नाम से भी, मतलब नाम तो आपने स्टार्ट में सेट कर दिया था कि स्पाइडर, फिर भी कुछ भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से अपनी पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हैं कॉलेज, स्कूल या फिर कोई भी ऑफिस में देने के लिए, कहीं पे भी आप अपलोड करनी होती है फाइलें वगैरह बना के पीडीएफ, तो आप सिंपली यहाँ से फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जी हाँ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि इस घंटी को बजा दें, इस घंटी को बजेगा, जब ये घंटी बजेगी तो आपकी भी घंटी बजेगी, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत फ़ोन पर एक घंटी बज जाएगी। वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।